हेलो बच्चों, आई एम कपिल मुनि मिश्रा, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11th केमिस्ट्री। फर्स्ट लेसन टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अ लॉट अबाउट केमिस्ट्री। वी होप दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेज विच टेक प्लेस इन द मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेज। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आर एज गिवेन बिलो। लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, केमिस्ट्री वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। कपड़े से लेकर मेडिसिन, फूड, प्लास्टिक्स, कुछ भी बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। ये पूरा जीवन हमारा केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट, एनिमल, सब कुछ केमिस्ट्री। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन मेडिसिंस, मेडिसिंस के क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या यूज है। द ड्रग्स टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन आर यूज इन कैंसर थेरेपी। AZT, फुल फॉर्म एजिडोथाइमिडीन, इज यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। एड्स के जो पीड़ित होते हैं, मरीज होते हैं, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स में आपकी जो मेडिसिन चलाई जाती हैं, एजिडोथाइमिडीन, हेल्पिंग एड्स विक्टिम। एनेस्थेसिया कॉज अनकॉन्सियसनेस एंड आर गिवेन टू द पेशेंट फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन में पेशेंट को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिससे वो उसकी पूरी बॉडी अनकॉन्सियसनेस हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टर्स अच्छे से ऑपरेशन कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनेस्थेसिया इंजेक्शन फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में केमिस्ट्री का बहुत यूज है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, अमोनिया, सल्फेट एट्सेट्रा आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की फर्टिलाइजर पावर, सॉइल की फर्टिलाइजर पावर इंक्रीज करने के लिए हम उसमें डिफरेंट फर्टिलाइज डालते हैं, लाइक यूरिया, अमोनिया, सल्फेट एट्सेट्रा। सेकंड, मैं यूज बता सकता हूँ एग्रीकल्चर में, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड एट्सेट्रा आर यूज एज प्रिजर्वेटिव इन फूड स्टफ। नेक्स्ट, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा यूज है केमिस्ट्री का। प्लास्टिक लाइक पीवीसी, पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बैकेलाइट इट्सेट्रा। बैकेलाइट्स आप देखते होंगे, बोर्ड की स्विचेज वगैरह जो होती हैं वो बैकेलाइट की बनी होती हैं। इसे क्लास 12th में आप सारे पॉलीमर्स आप स्टडी करेंगे। सीमेंट, ग्लास, आयरन एंड प्रीसियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, पेट्रोलियम, सुगर, लेदर, H2SO4, HNO3, अमोनिया इट्सेट्रा, तमाम चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रियों में मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं। दीज आर केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ, सेविंग द इन्वायरमेंट, सेविंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सेविंग में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है। नेक्स्ट, अप्लीकेशन इन वार, वार के क्षेत्र में बहुत बड़ा यूज है। केमिस्ट्री
हैज आल्सो इंक्रीज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ मैन इन वार टाइम्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज सच एज TNT, फुल फॉर्म ऑफ TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ये सब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, जिसे विस्फोटक पदार्थ आप बोल सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एंड डायनामाइट पॉइजन्स गैसेज लाइक मस्टर्ड गैस, लिविसाइट एंड फाजीन एंड मैनी अदर डेडली वीपन्स सच एज एटम बम एंड हाइड्रोजन बम। ये सब केमिस्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे मैटर का नेचर कैसा होता है इस पे हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हम बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं मैटर के बारे में। क्लास 9th में मैटर के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया है। इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पूरा यूनिवर्स हमारा जो बना हुआ है वो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। लाइक मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है मेनली, लेकिन 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपने पढ़ा होगा 4th स्टेट मैटर का प्लाज्मा है और 5th स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। लेकिन हम केवल स्टडी जो करते हैं ओनली टॉक अबाउट मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज मैटर? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ मास हो, वेट हो, वही हमारा मैटर होता है। एग्जाम्पल्स वुड, बुक, वाटर, एयर, पेट्रोल, आयरन एट्सेट्रा आर ऑल कंपोज्ड ऑफ मैटर। इनके पास स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और इनका मास भी होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दीज आर 2 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम स्टडी करें फिजिकल क्लासिफिकेशन, चूंकि 9th में हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर रखा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, इनके बीच जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ा सा जो है अवे होते हैं कंपेयर देन सॉलिड से, दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से टच नहीं होते। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही डिस्टेंस होती है एक और दूसरे पार्टिकल के बीच में, काफ़ी दूरी होती है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट पार्टिकल क्लोज होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते। लिक्विड स्टेट थोड़ा सा कंपेयर देन सॉलिड के दूर है ये पार्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोशन कर सकते हैं। गैसीय स्टेट बहुत फ्रीली मोशन करता है, रैंडमली जिगजैग मोशन करता है, फास्ट मोशन करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट इंटर पार्टिकल स्पेस अगर हम इसका देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वेरी स्मॉल, इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी स्मॉल। नेक्स्ट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस क्यों है, क्योंकि पार्टिकल आर क्लोज्ड पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड स्टेट में हम आते हैं कंपेरेटिवली लार्ज, इसके कंपेरेटिवली में यहाँ पे पार्टिकल क्या है या स्पेस जो है वो इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा दूर है, लार्ज है। कंपेरेटिवली लार्ज पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, ये पार्टिकल थोड़ा सा लूज पैक होते हैं, इनके बीच गैप होता है। पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसियस स्टेट में वेरी लार्ज, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है,
वेरी लार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, काफी गैप होता है, इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ पे जो है वेरी लार्ज है। पार्टिकल आर वेरी लूजली पैक्ड, पार्टिकल बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं। पार्टिकल आर वेरी लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। सेकंड पॉइंट यहां पे हम देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड स्टेट में वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। क्यों इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज हैं वेरी स्ट्रांग है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए एक दूसरे में बहुत स्ट्रांग, मजबूत ये बंधे हुए होते हैं। फोर्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच। लिक्विड स्टेट में वीक, ये वीक होते हैं, और गैसियस में वेरी वीक, वेरी वीक। पार्टिकल का डिस्टेंस फॉर अवे ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पे बहुत वीक होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। नेचर इनका देख लेते हैं, नेचर क्या होता है इनका, वेरी हार्ड एंड रिजिड। इंटर पार्टिकल जो हैं बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसी वजह से वेरी हार्ड एंड रिजिड, वेरी हार्ड एंड रिजिड। नेक्स्ट वेरी इज अ फ्लूड, ये क्या होते हैं, FLUID, फ्लूडिटी, ये तैर सकते हैं, ये बह सकते हैं, इसमें कोई चीज फ्लो कर सकती है, फ्लूड, फ्लूड। ये हाईली फ्लूड होते हैं, हाईली फ्लूड, ये हाईली फ्लूड। फ्लूड मतलब इनके में फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, फ्लूडिटी इनकी ज्यादा होती है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको यहाँ पे बताया सॉलिड लिक्विड स्टेट, व्हाट इज केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने बताया सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, गैसीय में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई इसकी। थैंक यू, आप इसे रिविजन करिएगा, आगे का लेक्चर जल्द मिलेगा आपको। थैंक यू।